हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं द 12th पासर और इन दिस वीडियो हम हिस्ट्री 2019 का सेट ए उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। कुछ इस तरह से लगा लीजिए, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी हिस्ट्री के 12th क्लास के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्योंकि 12th क्लास के अंदर जस्ट और जस्ट इंडियन हिस्ट्री ही होती है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके पास मैथ है और आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये है HBSE 2019 सेट ए। देखिए सेट ए सेक्शन डी 20 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए, कुबड़ वाले बैल की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। अब इसी के साथ 21 का जो क्वेश्चन है वो है, महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? तो महाभारत का रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। ये भी आपकी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए 22 का क्वेश्चन, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? महात्मा बोध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बोध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ। और एक और फैक्ट याद कर लीजिए, सारनाथ में जो है अशोक चक्र है तो वो वहाँ पर क्यों है? क्योंकि अशोक जो है वो सारनाथ उसका महात्मा बोध का बहुत बड़ा अनुयायी था, इस वजह से अशोक ने अशोक चक्र को सारनाथ में बनवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुकाका राय, ये दोनों भाई थे। और 1336 के अंदर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब आप कमेंट में मेरे को ये लिखकर बताना कि इनमें से पहले शासक कौन बना। आप अगर 12th क्लास में है तो आपकी बुक के 7वें लेसन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब देखते हैं 24 का क्वेश्चन, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो दोस्तों अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और इसने अकबरनामा एक पुस्तक ली है जो कि अकबरनामा जो पूरी तौर से दरबार के संरक्षण में लिखी गई थी। और इसके 3 खंड हैं जिनमें से एक है आइन ए अकबरी, जिसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगली बात 27 का क्वेश्चन, रेतवाड़ी प्रणाली किन प्रांतों में लागू की गई? तो रेतवाड़ी प्रणाली जो है वो बंगाल में मद्रास में लागू हुई थी। बंगाल चाहे न लिखिए, मद्रास के अंदर ये लागू हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। मद्रास आप बता दीजिए, आपका एक नंबर पक्का। अब इसी तरह दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 26 का क्वेश्चन है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो भाई पहाड़िया लोग जो हैं वो झूमिंग कृषि करते थे या झूम कृषि करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते थे। कुछ निश्चित समय के लिए वहाँ पर रहते थे, और जब उस भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती तो अगले स्थान को साफ कर काट कर जला कर वहाँ पर खेती करते थे। तो ये हो गया पहाड़िया लोगों का झूमिंग कृषि। 27 का क्वेश्चन देखिए, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अगर एग्जैक्ट डेट की बताऊँ तो 27 जून 1757 को। याद करने की ट्रिक क्या है कि इंडिया के अंदर स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, उससे 100 साल पहले 1757 के अंदर पलासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और प्रॉपर डेट है 23 जून 1757। ठीक है, याद रहेगा। अब 28 का क्वेश्चन देखिए, पद्मावत का लेखक कौन है? तो ये थे मालिक मोहम्मद यासी, जिन्होंने पद्मावत को लिखा था।
और अब तो है इस पर मूवी भी बन चुकी है, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 29 का क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये एक मोस्ट पॉपुलर नारा है गांधी जी का, ये गांधी जी का इकलौता जो है अहिंसा सॉरी हिंसा इकलौता हिंसा का नारा है और काफी मशहूर नारा है डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई गांधी जी का नारा। अगला अब आ गए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें पहला 30 का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मेरा जो दोस्त है जिसने ये मेरा पेपर दिया है, अभी उसने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसने इसका सर सैयद अहमद खान लगाया था, जो कि है गलत, क्योंकि इसका आंसर आया सर आगा खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, उनके बाद सर सैयद अहमद खान ने कमांड को संभाला था, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सर आगा खान। अब देखते हैं 31 का क्वेश्चन। तो दोस्तों 31 का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस डेट को याद रख लीजिए, मुक्ति दिवस। और इसके अलावा एक दो दिवस और इसी से मुस्लिम लीग से रिलेटेड है, वो जो है वे जब आपस में मिल जाते हैं और आप उनको याद करते हैं तो कंफ्यूजिंग बनता है, तो इस वजह से इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मैं उन पर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे बस कमेंट में बता देना। अब आगे चलते हैं 32 का क्वेश्चन। दोस्तों 32 का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार हुआ? तो मुस्लिम लीग का संविधान जो है वो लाहौर के अंदर तैयार हुआ था, ठीक है, लाहौर के अंदर। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुई थी, तो इन दो बातों को याद रखिएगा। और कराची का इसमें कोई नहीं है, राव पीड़ा भी कुछ खास नहीं। दोस्तों तो अब देखते हैं 23 का क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकते हैं कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? पारित से क्या मतलब है कि पूरा कब हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 26, डेट 26 ही थी, मगर 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 पारित, 26 जनवरी 1950 लागू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 34 का क्वेश्चन, दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर है श्री बी एन राव, श्री बी एन राव, और कई बुक्स में आपको ये श्री बी आर राव भी मिलेगा, और मेरे हिसाब से भी ये श्री बी आर राव ही होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पर श्री बी एन राव गलत दिया है। अब बुक से जो है इसको श्योर कर लीजिएगा या फिर गूगल करके देख लीजिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी श्री बी आर राव होना चाहिए, एंड मुझे यहाँ पर ये गलत लग रहा है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर बिल्कुल साफ है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वे ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये बात तो एक काले कुत्ते को भी पता होगी। अब इसके अलावा कोई बात करें दोस्तों, तो संविधान में जो है स्थायी तो अध्यक्ष ये हो गए, इसके अलावा 5 और स्थायी अध्यक्ष और कुछ 6 और अस्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान के अंदर, और संविधान से ही रिलेटेड बात आई है, तो उस समय में 395 धाराएं थी। और अगर कुछ रिलेटेड बातें और की जाए तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा कर रखेंगे। अब बात आती है सभी दोस्तों आप पर, आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, इस बात का उत्तर देना कि मैं इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन दूं या ना दूं, और इस बात का आंसर भी करना कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और इन सभी कार्रवाई के बाद इस वीडियो को शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है वो आप जानते हैं। मैं तो चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।